लालकुआ में अवैध रूप से लकड़ी चिरान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अंजाम देने हेतु वन विभाग ने कमर कस ली है। लकड़ी की अवैध कटाई कर पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने वाले अब वन विभाग की नजर से नहीं बच सकेंगे। इसी के चलते वन विभाग ने आज नगर की एक आरा मशीन में छापेमारी कर अवैध 20 गिल्टों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर उसे सीज कर दिया। यहां तराई पूर्वी वन विभाग के प्रभारी एवं वन अधिकारी संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रातः उन्हें मुखबिर की सूचना मिली थी कि नगर की एक आरा मशीन में अवैध चिरान हो रहा है, जिस पर उन्होंने टीम गठित कर कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसमें डॉली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी के नेतृत्व में वन कर्मियों ने उक्त संचालित आरा मशीन में छापेमारी की, जिसमें विभाग की टीमें ने 16 गिल्टे शीशम व 4 गिल्टे सागौन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम को देख ट्रैक्टर चालक मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। इधर पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉली को मई लकड़ी के डॉली रेंज के परिसर में लाकर विभाग द्वारा उसे सीज कर दिया गया है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि मैंने बोला कि अभी अगर इंक्वायरी में जो है कोई भी अगर इंसान का जो है वो मतलब जो है संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की जाएगी।